आज करने वाले हैं फतेहपुर लोकसभा सीट की, जिस पर इस बार मुकाबला दिलचस्प हो गया है। बीजेपी ने इस बार फिर साध्वी निरंजन ज्योति पर विश्वास जताया है, तो वहीं कांग्रेस ने राकेश सचान को चुनावी मैदान में उतारा है। महागठबंधन के उम्मीदवार सुखदेव प्रसाद वर्मा भी मैदान में है। इस तरह से फतेहपुर में त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। ऐसे में किस तरह से चल रहा है साध्वी निरंजन ज्योति का चुनाव प्रचार, आप भी देखिए। धुआंधार चुनाव प्रचार में जुटी ये है साध्वी निरंजना ज्योति, जो हाथ जोड़कर जनता जनार्दन से वोट मांग रही है और लोगों से दोबारा उन्हें ही जिताने की अपील कर रही है। साध्वी निरंजना ज्योति यूपी की फतेहपुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार है। यहां पांचवें चरण में 6 मई को चुनाव है, वक्त कम है, लिहाजा साध्वी निरंजना ज्योति का प्रचार अभियान चरम पर है। वो दिन रात अपने इलाके में जनसभाएं और जनसंपर्क में जुटी हुई हैं। आजादी के बाद से गरीबों की गरीबी नहीं मिटी, गरीबों का नारा लगाने वाले अमीर जरूर हो गए। यहाँ एक चुनावी सभा को संबोधित करने के बाद साध्वी निरंजना ज्योति का काफिला आगे पड़ाव पर पहुँचता है, जहां काफी संख्या में लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। साध्वी के यहां पहुंचते ही समर्थक उनके स्वागत में जोरदार नारेबाजी करने लगते हैं। साध्वी के समर्थकों में उत्साह के साथ ही जीत का आत्मविश्वास भी दिखाई देता है, मगर जिन जनता के वोट से उम्मीदवारों की किस्मत तय होगी वो क्या सोच रही है, ग्राउंड जीरो पर इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता वर्णित गुप्ता ने। भी निरंजन ज्योति जगह जगह जाके चुनाव में प्रचार प्रसार कर रही हैं, ऐसे इलाके में भी आ रही हैं जहां पे माइनॉरिटीज भी हैं और साथ ही साथ जो कहा जाए दोनों ही कम्युनिटी के लोग रह रहे हैं। आइए इनसे भी बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि साध्वी जी कह रही हैं कि उन्होंने क्षेत्र में बिजली पानी मकान जो योजनाएं हैं केंद्र सरकार की वो यहाँ पे दी है, क्या लग रहा है कि यहाँ तक पहुंची है वो योजनाएं? बिजली आती है? आती है, आती है, आती तो काम कर रही है। अपना समय कर रहा है, समय समय से अपना हो रहा है। आपका क्या कहना भाई साहब? अरे हम ठीक है, जो उन भाई अब का बताए, दोनों एक ही आदमी, हम भाई भाई हैं दोनों भाई, भाई। नहीं तो ठीक है, तो आप भी बताइए। क्या लग रहा है क्षेत्र का विकास हुआ? हमारे हिसाब से तो नहीं हुआ। क्या क्या कमी रह गई? अरे न लैट्रिन न पैटरिन कुछ हमें मिलते नहीं, ये तो नहीं, नहीं मिली। अच्छा, जो उज्ज्वला योजना थी जो सिलेंडर वाली, वो सिलेंडर मिले? हाँ वो मिला, सिलेंडर मिले, मिले 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 मिले। क्या कह रहे हैं? झूठ थोड़े बोले, मिले 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 मिले। अच्छा, रोडे जो है, रोड यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कहीं कहीं पे दिक्कत है, लेकिन कई जगह पे रोड बन भी गई है, कई जगह पर बन गई है। सही, बच्चों के लिए स्कूल यहाँ सुना है, मेडिकल कॉलेज भी दिया है? हमें नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम दिया हो हमें नहीं, कहाँ दिया, अभी नहीं दिया, दिया हो या हमें मालूम नहीं, हमको मालूम नहीं, इतने हम पढ़े लिखे नहीं। रोजगार ठीक चल रहा है? रोजगार का तो ना पूछो, रोजगार का तो ना पूछो, क्यों रोजगार हमारे लिए सब बंद है, सारी बाजारे टूट गयी, सब खत्म हो गए बाजार। क्या वजह है इसकी? अब यह वजह प्रशासन नहीं बाजार लगने देता, काम खाता। कुछ देर बाद साध्वी का काफिला एक दूसरे गांव में पहुंचता है। इस गांव में भी साध्वी के समर्थक नजर आते हैं, मगर क्या वो दोबारा इन्हें संसद भेजना चाहते हैं? हमने यहां इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश की। भाई भाजपा ने कुछ काम करवाया है, आई है यहाँ पे साध्वी जी, बोलिए ना। हर काम कर, क्या काम करवाई है आपके पढ़ने, क्या काम हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ऐसे सारा सब पूरा पड़ा है, सारा ये कच्चा है, गाड़ी नहीं निकल पाती है। बिजली पहुंची है? बिजली, हाँ बिजली तो आ गई है, 24 घंटे आती है? 24 घंटे में रहती है, कितने घंटे? 4-5 घंटा रहती है, घंटे नहीं, लाइट आ रही मतलब 2-3 घंटा। फिलहाल आप यहाँ पे देख रहे हैं जो लोग हैं वो अपनी बात कह रहे हैं। आइए और लोगों से भी बात करते हैं, इनसे पूछते हैं
भाई कैंपेनिंग चालू हो गई है, प्रचार प्रसार चल रहा, नेता जी भाषण दे रहे हैं। अरे सब ठीक है, नहीं सब ठीक है, क्या लग रहा है? नहीं ठीक है, चल रहा है, भाषण ही हो रहा है, कुछ काम है? नहीं काम नहीं हो रहा, अच्छी बात है, भाषण अच्छा हो रहा है। काम कहाँ, क्या 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 काम हुआ? काम यहाँ तो अभी तो हो रहा है, अभी प्रधान जी है, प्रधान जी अपना काम कर रहे हैं, वो तो जो बड़े हैं नेता वो तो अपना काम ही कर रहे हैं। रोड रोड नहीं दिख रही है? रोड रोड तो नहीं यहाँ दिखाई दे रही है, यहाँ का तो काम वही प्रधान जी कर रहे हैं। शौचालय, शौचालय भी बने हैं, शौचालय भी बने हैं, ज्यादातर बने हैं, ज्यादातर बने हैं। जो जो केंद्र सर की जो स्कीम थी, जो उनकी योजनाएं थी, वो यहाँ पहुँची है आपके गाँव? नहीं पहुँची है, अभी जो योजना है शौचालय वाली ये भी पहुँची है यहाँ। जनता की राय चाहे जो, मगर साध्वी निरंजना के पास अपने हर काम का हिसाब है। देखिए मेरी व्यक्तिगत किसी पर टीका टिप्पणी करने की आदत नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहूंगी, यहाँ से जो कांग्रेस से प्रत्याशी वो सपा में थे, सांसद रहे 5 साल, 5 साल का अपना हिसाब वो दे दें, मैं देने के लिए तैयार हूँ। मगर साध्वी निरंजना ज्योति को टक्कर दे रहे कांग्रेस उम्मीदवार राकेश सचान उनके दावों को गलत बताते हैं। सचान का आरोप है कि चुनाव जीतने के बाद साध्वी ने अपने इलाके के लोगों की परवाह ही नहीं की। वो क्या कह रहे हैं मैं नहीं जानता, 2014 से 19 के बीच में वो सांसद रहे हैं, एक तो जनता के बीच से गायब रही हैं, न तो कभी पब्लिक से मिली, ना ही उनकी समस्याओं को सुना, ना ही उन्होंने विकास के कोई काम किए। जो भी विकास था मेरा था, उसमें उन्होंने पत्थर हटा के अपने पत्थर जरूर लगाए, ये जनता जानती है। जितनी सड़कें मैंने बनवाई थी उनमें दोबारा पत्थर उन्होंने लगवाया, प्रेस रिपोर्ट प्रेस वालों ने छापा, सब कुछ किया। और जो मेडिकल कॉलेज और ये इसकी बात कर रहे हैं, आज वो 5 साल से एमपी थे, अभी लास्ट में कहीं मेडिकल कॉलेज का आता पता भी नहीं है, अभी शिलान्यास हुआ है चुनाव के दृष्टि। रेल कोच फैक्ट्री की आज तक जगह नहीं मिली और न कहीं कोई काम हुआ। वो मंत्री रहते एक अपने विभाग का कोई काम बता दें जिसमें 10 आदमी को उन्होंने रोजगार दिया हो। गंगा यमुना जैसी दो नदियों के बीच बसे फतेहपुर में इस बार मुकाबला त्रिकोणी हो चुका है। गठबंधन की तरफ से यहाँ सुखदेव प्रसाद वर्मा बीएसपी के उम्मीदवार हैं, जो बीजेपी की साध्वी और कांग्रेस के राकेश सचान को सीधी टक्कर देते नजर आ रहे हैं।